चित्तौड़गढ़ के निम्बाहेड़ा में करीब सवा महीने पहले हुए ब्लाइंड मर्डर मामले में पुलिस ने खुलासा कर दिया है। पुलिस ने मृतक के पैर पर लिखे मोबाइल नंबर से उसकी पहचान करने के बाद में मामले का खुलासा कर दिया है। पुलिस ने हत्या के आरोपी लालूराम पिता गौतम को गिरफ्तार कर लिया है। इससे पूछताछ में अवैध संबंध छिपाने के लिए हत्या करने की बात कबूल की। आपको बता दें कि करीब सवा महीने पहले साकरिया पुलिस के पास से पुलिया के पास से एक युवती की लाश मिली थी, जिसमें मामले की जांच करते हुए सामने आया कि युवती प्रतापगढ़ में अरनौत के फतेहगढ़ गांव की रहने वाली है और 8वीं कक्षा की छात्रा है। युवती का पड़ोस में रहने वाले लालू पुत्र गौतम से प्रेम प्रसंग चल रहा था और इसी दौरान वो गर्भवती हो गई, जिसके बाद आरोपी युवती को गर्भपात करवाने के बहाने निम्बाहेड़ा ले गया और वहां उसकी हत्या कर दी। इससे पहले युवती ने शक होने के चलते पैर पर मोबाइल नंबर लिख दिए थे ताकि उसकी जानकारी घर वालों को मिल सके। पुलिस को भी इस नंबर से कॉल कर हत्या का खुलासा करने में सफलता मिली है। साकरिया पुलिया के पास में एक डेड बॉडी मिली थी, उसके आधार पर पुलिस मौके पर पहुंची, डेड बॉडी को अपने कब्जे में लेकर के और हॉस्पिटल सरकारी हॉस्पिटल निम्बाहेड़ा लेके आए, मोर्चे में बॉडी रखवाई। बॉडी को पूरा देखा गया तो उसका सिर जो था पूरा पत्थरों से कुचल दिया और उसके बाकी पहनावा वगैरह से कोई इसकी शिनाख्त नहीं हो पाई। उसके बाद में स्वीपर की मदद से हमने उसके और शरीर के अंगों के बारे में भी देखा तो उसके घुटने के ऊपर कुछ ऐसे लिखे हुए थे जो संभवतः एक मोबाइल नंबर थे, तो हमने उसको लिया और उसमें कौन कौन से नंबर हो सकते कयास लगा। देश और दुनिया की हर छोटी बड़ी खबर के लिए सब्सक्राइब करें A1 TV News, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप पा सकें ताज़ा खबरों की नोटिफिकेशन।